Good morning, all of you. In this part of mechanism of organic reaction, we will discuss about the different type of nucleophilic substitution reactions: SN1, SN1-, SN2, SN2-, SNi, SNi-, and also the brief introduction about the neighboring group participation and the enchymeric assistance. So, what are substitution reactions?

तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कहते हैं रिएक्शंस जो जो रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ आपके न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिकब्सिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में और उनकी टाइप्स के बारे में सो व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस द रिएक्शंस इन व्हिच ए वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन

कंपेरिजन बिटवीन दिस टू रिएक्शन दैट इज द एस एन वन रिएक्शन और द एस एन टू जैसे नाम से क्लियर कट होता है यहां पर एस एन वन वन का मतलब यूनिमोलिकुलर का मतलब जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर दो मोलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो एस एन टू मीन एस एन टू सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द केमिकलनेटिक्स और एस एन वन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द केमिकल का

उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए अगर मान लीजिए अटैक नहीं हुआ तो अब होगा क्या इन दर्प ऑफिव एंड टेक्स प्लेसिव एंड सी एलस्टेक्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बोन पेर इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन कार्बनेटम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज रिजल्ट इन दॉर्मेशन ऑफ दिन देखो सी एल नेगेटिव यहां से निकलेगा लेकिन हम आपको फिर बता दें कि ये एस एन वन रिएक्शन है इन द एस एन वन रिएक्शन देयर मस्ट बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मोलिक्यूल दैट इज द एल्काइल हेलाइड एंड दैट एल्काइल मस्ट बी द एल्काइल हेलाइड

वो अटैक ना कर पाए क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस पहले से ही है कार्बन के ऊपर आपके थ्री थ्री बल्कि एलकाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं साथ के साथ न्यूक्लियोफाइल का भी साइज अगर बल्कि है बड़ा है तो भी आपकी आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर पाएगा सेंट्रल कार्बोनेटम के ऊपर तो बोलो सेंट्रल कार्बोनेटम के ऊपर न्यूक्लियोफाइल कब अटैक नहीं कर पाएगा द एंड एलकाइलियोफाइल इज वीक न्यूक्लियोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल इज लार्जर इन साइज After the loss of the Cl negative ion, there is the formation of the इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के दौरान इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनते हैं और जो इंटरमीडिएट नेगेटिव आयन वो उसके रहने के चांस उसी डायरेक्शन में ज्यादा होंगे जो कंटेनर है जिसके अंदर अभी आपके ट्रेशरी कार्बोकेटाइन बन गया और आपके सीएल नेगेटिव भी हैं तो नेगेटिव आयन राइट साइड से लॉस हुआ तो उसके उसी साइड में रहने के चांस ज्यादा होंगे स्ट्रक्चर क्योंकि कार्बोकेटाइन है और इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होगी क्योंकि होता है तो सिग्मा बॉन्ड थ्री है तो इसलिए थ्री का मतलब एक एस दो पी एसपी टू अब जो क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा अटैक करेगा दोनों साइड से लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपकी कंप्लीट आयन पेयर बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सी बनी कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है सीएल के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है सो दैट पर्टिकुलर बी मोर स्टेबलाइज मोर इजीली विल टेक्स प्लेस इन द मोर पोलर मीडियम तो जो आपके एस इन वन रिएक्शन होती है दे फेवर्ड मोर फेवर्ड इन द मोर पोलर मीडियम क्योंकि एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है जिसे लाइक डिजोल्स लाइक कहते हैं कि

और क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उसका अटैक दोनों साइड से होंगे चांस फ्रंट साइड भी बैक साइड भी लेकिन फ्रंट साइड क्योंकि

और जो प्रोडक्ट बनेगा विद द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा लेकिन इसके बनने के चांस कम होंगे ये माइनर प्रोडक्ट होगा जैसे हमने बताया क्योंकि फ्रंट साइड के ऊपर आपके पहले से ही सीएल नेगेटिव आए जो डिपार्टेड न्यूक्लियोफाइल है उसके वहीं पे मिलने के चांस ज्यादा हैं तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्शन की वजह से फ्रंट साइड की वजह से जो अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगी सेम कॉन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा जबकि बैक साइड जब अटैक होगा तो वो एक मेजर प्रोडक्ट होगा सो देर विल बी द देंचअ

तो इसीलिए जो जो आपकी मिक्सचर है उसके अंदर होगी पार्शियल रेसिमाइजेशन। रिवर्स है, दोनों की आपकी है. Means अगर हम PPL, को इस मिक्सचर के अंदर से पास कर दें तो जो प्लेन पोलेराइज लाइट को क्या करेगा आपका जो वन सब्सटेंस है वो रोटेट करना चाहेगा राइट right साइड में तो दूसरा रोटेट करना चाहेगा लेफ्ट साइड में अगर दोनों इक्वल अमाउंट में होते दोनों अगर इक्वल अमाउंट में होते हैं तो वो कंप्लीट रेसेमाइजेशन होती और पीपीएल की रोटेशन ही नहीं होती ना राइट right में ना लेफ्ट में क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में अगर बनते हैं तो वन पार्ट चाहता मैं उसको राइट right साइड में रोटेट कर दू पीपीएल को दूसरा कंपाउंड चाहता मैं उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर दू तो देयर विल बी द नो नेट रोटेशन इन दोनों में बनते रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी अगर में 50 -50 रेशों में बनते। लेकिन यहाँ पे दोनों 50 -50 रेशो में नहीं बने एक मोलिक्यूल दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर पा रहा द पीपीएल इसीलिए द पार्शियल रेसिमाइजेशन आपका कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होगा एक मोलिक्यूल दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा टूवर्ड पीपीएल सो द पार्शियल रेसिमाइजेशन विल अकर सो ये था आपके एस एन वन रिएक्शन के बारे में अब हम एस एन टू के बारे में देखें एस एन टू कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें टू मोलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे इन द रेट स्टेप इन द फर्स्ट स्टेप that is the sn2 reaction the reaction in which two reactant molecules are involved in the first step of the reaction that is the in the rate, rate determining step is called the sn2 reaction usi type 7 alkyl halide lea. लेकिन एलकाइल हेलाइड कौन सा ले हम चाहते हैं दो रिएक्टेड मोलिक्यूल की इन्वॉल्वमेंट हो एक तो आपका एलकाइल ही होगा और दूसरा कौन होगा आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल हम चाहते हैं अटैकिंग का अटैक हो फर्स्ट स्टेप में ही अटैक हो तभी तो दो मोलिक्यूलो की इन्वॉल्वमेंट होगी एक एलकाइल हेलाइड की दूसरी न्यूक्लियोफाइल की वो कब होगा जब आपका एलकाइल हेलाइड ऐसा हो जिसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो जिसमें जो सेंट्रल कार्बोन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो लिविंग ग्रुप होगा सीएल एक्टिव सेंट्रल कार्बोन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो तो इसीलिए उसके ऊपर हमने एक आर ग्रुप लगाया हमने प्राइमरी एल्काइल हेलाइड लिया है दो हमने एच एटम लगा दिए तो सो दैट इज द प्राइमरी एल्काइल हेलाइड द कार्बन एटम हैविंग हेलोजन एटम इज अटैच्ड ओनली विद आर ग्रुप अटैच्ड ओनली विद वन आर ग्रुप इज कॉल्ड द प्राइमरी एल्काइल हेलाइड इसलिए इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा

न्यूक्लियोफाइल फाइल आपका स्ट्रोंग होना चाहिए और स्मॉल इन साइज भी होना चाहिए ताकि उसका अटैक जरूर हो और जो आपका यहाँ पे बनेगी स्ट्रक्चर इसके बाद इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो बनेगी वो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी बिकॉज इन ट्रांजिशन स्टेट द

फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट नाउ द लॉस ऑफ सी एल आपका सीएल हो जाएगा सीएल के अंदर और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा विदर्जन ही बनेगा एक ही प्रोडक्ट बनेगा दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे जैसे एस एन वन रिएक्शन के अंदर बने थे तो ये आपने देखा एस एन वन और एस एन टू रिएक्शन के डायग्राम अब इनके पॉइंट लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ इनके डिफरेंस का एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है एस टू रिएक्शन एस वन की सबसे पहला आप क्या करते हैं डेफिनेशन लिखते हैं जैसे हमने लिख रखे और उसके बाद ये कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं एस एन वन का भी एस एन टू का उसके बाद फर्दर इन्हीं डायग्राम्स को देखते हुए हमें फर्दर पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लिखना होता है तो पहले डेफिनेशन क्या हुई sn1 के अंदर आपने क्या लिखेंगे द रिएक्शन इन व्हिच ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप दैट इज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द sn1 रिएक्शन और sn2 में आप in क्या लिखेंगे द रिएक्शन इन व्हिच द टू रिएक्टेड मॉलिक्यूलर इन्वॉल्वड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन दैट इज इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज कॉल्ड द sn2 रिएक्शन अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर 2 इन द sn1 रिएक्शन कार्बोकेट आयन इज फॉर्मड व्हाइल इन द sn2 रिएक्शन द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मड थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे इन

आपके रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनता नॉर्मल प्रोडक्ट ही बनता है नॉर्मल मीन्स वो कार्बन जिसके ऊपर से सीएल डिपार्ट होगा उसी कार्बन के ऊपर अगर न्यूक्लिफाइल आके अटैच होता है उसी कार्बन के ऊपर तो वो नॉर्मल प्रोडक्ट कहलाता है वो एस एन वन रिएक्शन कहलाती है लेकिन आगे हम देखेंगे कि अगर रीअरेंजमेंट हो जाए और वो कार्बन जिसके ऊपर से सीएल निकला है उस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच ना होके किसी और कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है तो एस एन वन नहीं वो एस एन वन डैश रिएक्शन होगी आगे आप जाके देखेंगे हम आपको बताएंगे तो एस एन टू रिएक्शन में नो प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म next point of difference in sn1 reaction due to the formation of the intermediate carbocation which is the planar structure both front side and the back side attack by the nucleophile can takes place in the second step of the reaction while in the sn2 reaction only the back side attack by the nucleophile can takes place and which is in the first step of the reaction next because of the because there occurs the both front and back side attack due to the formation of the intermediate carbocation the two products will be formed

आई आयोडाइड लें ब्रोमाइड लें क्लोराइड लें फ्लोराइड लें वो चाहे वन हो चाहे टू हो इन बोथ ऑफ द केसेस द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्काइल हेलाइड विल बी द सेम मींस आरआई इज मोर रिएक्टिव देन आरबीआर इज मोर रिएक्टिव देन आरसीएल इज मोर रिएक्टिव देन द आरएफ ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि ऑन मूविंग फ्रॉम

नहीं कर पाएगा के अंदर, तो के सी के सी हो जाएगा, क्योंकि अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर की वजह से किसी भी पोजिशन पे अटैक नहीं होगा तो ये वीक होना चाहिए ताकि अटैक ना हो लार्ज भी साइज हो ताकि अटैक ही ना हो तो फर्स्ट स्टेप में सीएल लॉस हुआ और इस तरह से ये कार्बन जिसके ऊपर सीएल था वहां से सीएल निकलने से उस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज बिकॉज नाउ द पॉजिटिव कंटेनिंग कार्बन कंडीशन ऑफ रेजुनेंसाइड इसलिए रेजोनेंस प्रोसेस भी लगकर तो जो डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे गेट पॉजिटिव चार्ज देखो इस स्टेप से ये कार्बोकेटाइन बना प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी सी एस टू जो पॉजिटिव था उसके पास सी एल नेगेटिव है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो गई देखो आगे रेजोनेंस प्रोसेस चलिए कार्बोकेटाइन बन गया रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन बन गया और ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि पहले वाला प्राइमरी कार्बोकेट था और ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस प्रोसेस भी चल रही है ये चलती रहेगी रेजोनेंस प्रोसेस आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे तो ये दो कार्बोकेट बने जो दो कार्बोकेट बने हैं अब इसके अंदर दो तरह के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट बन सकता है

जिसके ऊपर से नेगेटिव सीएल डिपार्ट आउट हुआ था और ये जो अटैक होता है क्योंकि कार्बो कैट का की प्लेनर स्ट्रक्चर है ये हमने फ्रंट साइड अटैक दिखाया देखो आगे की तरफ न्यूक्लियोफाइल का अब हम दिखाते हैं देखो बैक साइड अटैक इसी के ऊपर वो कार्बन जिसके ऊपर से सीएल हटा है उसी कार्बन के ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है ये फ्रंट साइड अटैक जो अभी हमने दिखाया एक ये बैक साइड देखो ऊपर से हमने ले जाकर दिखाया बैक साइड अटैक इसलिए आपके प्रोडक्ट दो बनेंगे प्रोडक्ट बोलो कितने बनेंगे यहाँ पे भी एक फ्रंट साइड वाला एक बैक साइड वाला जैसे हमने SN1 में अभी पढ़ा भी था तो इस टाइप से ये बन गया, ये बना, दोनों कहाँ पे चले रीअरेंजमेंट के बाद जो सेकेंडरी कार्बो के टैन बना है उसके ऊपर अटैक हो जाए इसके ऊपर भी दो तरीके के चांस फ्रंट साइड अटैक हो जैसे अभी दिखाया बैक साइड अटैक हो जाए तो यहाँ पे कहाँ पे अटैच दिखाया हमने न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल को अटैच होते हुए दिखाया रीअरेंजमेंट के बाद जिस कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसके ऊपर अटैक होते दिखाया दैट इज द एस एन वन डैश रिएक्शन देखो ये जो प्रोडक्ट बना है ये एस एन वन डैश वाली रिएक्शन होगी रियज जो प्रोडक्ट है दैट इज फॉर्म्ड एंड ड्यूरिंग द एस एन वन डैश और जहां पे हमने नॉर्मल प्रोडक्ट लिख रखा है अगर उसको हम बनता हुआ दिखाते हैं तो एस एन वन हमने यहाँ पे कंपेरिजन भी कर दिया आपके सामने एस एन वन और एस एन वन डैश के बीच में दोनों के प्रोडक्ट भी बनते हुए दिखाए नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है एस एन वन रिएक्शन में और जो रियरेंज प्रोडक्ट जो बना है दैट इज ड्यूरिंग द एस एन वन डैश रिएक्शन दट द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन एस एन वन एंड एस एन वन डैश रिएक्शन इसके बाद एस एन टू डैश रिए कौन सी रिएक्शन थी जिसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर दो रिएक्टेंट मोलिको की इन्वॉल्वमेंट जरूर हो और जो दो की जो आपके तो जो आपके इन्वॉल्वमेंट होगी तो रिएक्शन चलती है वो रिएक्शन कहलाती है लेकिन अगर यहाँ पे दो मोलिकुलो की तो इन्वॉल्वमेंट हो लेकिन जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बने फाइनल मेजर प्रोडक्ट वो कब बने जब न्यूक्लियोफाइल आपके उस कार्बन एटम के ऊपर अटैक ना करे जिसके ऊपर की सीएल है इसके ऊपर आपका लिविंग ग्रुप अटैच है तो आपकी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी एस एन टू डैश तो फर्स्ट है, उस है? है. है उसी कार्बन के ऊपर अटैक कर स्टेप के अंदर तो एस एन टू उस कार्बन एटम के ऊपर अटैक ना करके किसी और कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर दे तो वो कहलाएगी एस एन टू डैश लेकिन उस किसी और कार्बन एटम के ऊपर अटैक कब करे वो तब कर सकते हैं जब आपका जो कार्बन जिसके ऊपर ग्रुप को ग्रुप कोई लिविंग अटैच है, वो डबली आगे कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट तो कंजुगेशन के अंदर आ जाएगा तो देखो क्या हुआ ये कार्बन जिसके ऊपर है, उस कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज सीएल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के एटम के ऊपर हमने दो दो आर ग्रुप दिखा क्रिएट करवा दी किस लिए? ताकि वो कार्बन जिसके ऊपर अटैक हो ही ना पाए अब अटैक होगा कहा पहला जो कार्बन है हमारा जिसके ऊपर आर ग्रुप लगे हुए जिसके ऊपर सीएल है अगर हम उस कार्बन आइटम को एल्फा कह दें बोलो उसको क्या कह दें एल्फा देखो हम उसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे एल्फा और नेक्स्ट जो कार्बन आइटम है उसको देखो हम देखो ये फर्स्ट को हम यहाँ पेल्फा लिख देते हैं सेकंड कार्बन एटम बोलो कैसा होगा सेकंड वन इज द बीटा और नेक्स्ट वन बोलो कैसा होगा आपका गामा अल्फा बीटा गामा तो जो गामा कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे देखो किस टाइप से न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना चाहा किसके ऊपर अल्फा के ऊपर अटैक नहीं होगा हमने देखो क्रॉस दिखा दिया क्यों ड्यू टू द स्टेरिक फैक्टर

चाहे वो एस एन टू हो चाहे तो देखो सीएल ही निकलेगा स्ट्रोंग होना चाहिए चाहे हो डैश हो मस्ट बी द वन लेकिन वन तो हो लेकिन अटैक नहीं होने देना उस कार्बन एटम के उपर, जिसके ऊपर सीएल है कि अगर वो कार्बन जिसपे सीएल उस पर अटैक हो गया तो एस एन टू और गामा के ऊपर अटैक अगर हम करवा दें तो एस एन टू डैश तो बोलो अटैक जरूर करवाना इसलिए न्यूक्लियोफाइल स्मॉलर इन साइज जरूर हो स्ट्रोंगर हो अटैक जरूर करवाना है तो ये बातें तो कॉमन रहेंगी एस एन टू हो चाहेड हो। SN2 SN2 होते हैं जिनके अंदर ये एस एन टू डैश रिए हमारी चलेगी अब देखो ये नॉर्मल प्रोडक्ट हमने बनते हुए दिखाया यहाँ पे अगर अटैक कर देता क्योंकि हम कंपैरिजन भी करेंगे साथ के साथ एस एन टू और एस एन टू डैश के बीच में अगर ये अटैक कर दे कहां पे उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर कौन लगा हुआ था सीएल देखो ये ये प्रोडक्ट बनेगा देखो जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं हटा रहे हैं दिखा रहे हैं बोलो तो पे तो इसलिए हमने ओल्ड बॉन्ड आपके टूटने शुरू हो गए देखो सी और सीएल के बीच में डॉटेड लाइन नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया उसी कार्बन के एटम के साथ जिसके ऊपर सीएल था न्यूक्लियोफाइल के बीच में बचे हुए ग्रुप हमने एस शो कर दिए तो ये हमने दिखाया नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट इसमें कार्बन के ऊपर तो स्टेट बनी लेस पोलर मीडियम में चलेगी यही कॉमन फैक्टर है चाहे एस एन टू हो चाहे टू डैश हो। अब हम बताते हैं एस एन टू डैश के बारे में अब ध्यान से देखना रहे हैं पे अटैक करते हुए दिखाएंगे अब न्यूक्लियो अटैक करेगा कहा गामा कार्बन देखो गामा लेकिन गामा कार्बन एटम के ऊपर भी दो तरीके से अटैक कर सकता है आप ध्यान रखना यहाँ पे कैसे या तो ऊपर की साइड से अटैक करे ऊपर मीन सी एल को जो डिपार्टिंग आपका ग्रुप है, जो जो है वो आपका अपर साइड में दिखा रखा है अगर ऊपर की साइड से अटैक दिखाए देखो ध्यान से देखें देखो ऊपर की साइड से हमने अटैक दिखाए न्यूक्लियो फाइल का ऊपर तो उसको कहते हैं सिन अटैक क्या कहते हैं सिन अटैकटैक मीनस द न्यूक् अटैक ऑन द गामा कार्बन एम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप जिस साइड सीएल लगा हुआ है उसी साइड अगर हम अटैक करते दिखा दे ऊपर की साइड से ही हमने न्यूक्लियो का अटैक करते हुए दिखाया है गामा कार्बन एटम के ऊपर तो देट कोल्ड दिन अटैक उसे क्या कहते हैं सिन अटैक अटैक अगर हम और ये हुआ इस कार्बन एटम के ऊपर कार्बन के पांच बोड हो जाएंगे इसलिए जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन देखे जो बीटा और गामा के बीच में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो दोनों आगे शिफ्ट होंगे आगे शिफ्ट होने से जो वो कार्बन जिसके ऊपर सीएल है उसके पांच बोन्ड हो जाएंगे इसलिए सीएल निकल जाएगा तो इस से ये आपकी रिएक्शन चलती है विद द रिअरेंजमेंट तो ये था अटैक जब न्यूक्लिफाइल ने गामा कार्बन एटम के ऊपर अटैक तो किया लेकिन कैसे अटैक किया? कि नु, किया दूसरा हो जाता है एंटारा अटैक देखो हमने ब्लू लाइन से दिखाया कर रहा है आपके ऑपोजिट साइड से तो एंटारा अटैक इज द अटैक इन विज द अटैक ऑन गामा कार्बन टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप देखो लिविंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन रिएक्शन जब हम करते हैं तो एस एन टू डैश रिएक्शन के अंदर हमारा जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का जो हम कराएंगे वो गामा पोजिशन के ऊपर करवाएंगे और गामा पोजिशन के ऊपर भी तभी इफ दैट पर्टिकुलर हेलाइड रखें ये नहीं की ना मीन बीटा और कार्बन के बीच डबल बोंड ना हो सिंगल बोन्ड हो तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी नो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी फिर एसेंट टू डैश रिएक्शन नहीं होगी ये कंडीशन है डबल बॉन्ड इन बिटवीन द बीटा एंड गामा कार्बन एटम तभी तो गामा कार्बन एटम के ऊपर अटैक होने के बाद बीटा और गामा के बीच के जो पाई इलेक्ट्रॉन की फर्दर आगे शिफ्टिंग होगी तभी तो सी एल ग्रुप की डिपार्टिंग आराम से हो पाएगी उसका डिपार्चर आराम से हो पाएगा लेकिन अब हम ये बता रहे हैं अटैक बाय द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन टेक्स प्लेस इन टू वेज आइर दिन अटैक और दटैक ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है और देखो ये हमने प्रोडक्ट बनते हुए दिखा दिया इसके अंदर देखो कैसे प्रोडक्ट बनते हुए दिखाया देखो डॉटेड लाइन वो कार्बन जो गामा है उस गामा कार्बन के ऊपर ध्यान से देखें एक CH3 अटैच है एक H अटैच है देखो मैंने CH3s दिखाया डॉटेड लाइन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होते हुए दिखा दिया वो कार्बन बीटा और गा जिनके बीच में डबल बॉन्ड था देखो तो टूटते हुए दिखा दिया डॉटेड लाइन और आगे अल्फा और बीटा के बीच में जहां पे सिंगल बॉन्ड था वहां पे नया डबल बॉन्ड बनेगा तो डॉटेड लाइन से नया बनते हुए दिखा दिया लास्ट में कार्बन सीएल के बीच का बॉन्ड टूटते हुए हमने दिखाया अब उसके बाद हम क्या दिखाएंगे कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज सीएल के ऊपर नेगेटिव चार्ज इधर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई क्या बन गई ये ट्रांजिशन स्टेट उसके बाद आपका सीएल नेगेटिव निकल जाएगा दोनों की केसेस में सिंपल एस टू चले जो लेफ्ट साइड में दिखाया है प्रोडक्ट आपका इंटरमीडिएट है ट्रांजिशन स्टेट तो देखो अगर उसके अंदर से सीएल निकले जो लेफ्ट साइड में है तो ये प्रोडक्ट बन गया दैट इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट ये नॉर्मल प्रोडक्ट है इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये प्रोडक्ट बना है ये एस टू रिएक्शन का प्रोडक्ट है जो भी हमने दिखाया उसके बाद कार्बन तो आइटम तो वो आपके गामा कार्बन आइटम के ऊपर अटैक होता है वो सीन अटैक भी हो सकता है और वो एंटारा अटैक भी हो सकता है तो ये रियज प्रोडक्ट है और रिएक्शन क्या लाएगी आपकी एसेंट

ंग ग्रुप को वो बाहर निकालेगा नेबरिंग ग्रुप निकालेगा बाहर तो नेबरिंग ग्रुप अपना अटैक करवाएगा नेबरिंग ग्रुप एक इंटरनल न्यूक्लियो फाइल का काम करेगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा उस कार्बन को जिस कार्बन के ऊपर आपका लिविंग ग्रुप अटैच है तो अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके जो खुद इंटरनल न्यूक्लियो फाइल का काम कर सकता हो और उसके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हो और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उस कार्बन को दे दे उसके साथ बोर्ड बना ले जिसके ऊपर कौन लिविंग ग्रुप अटैच है तो दैट कॉल्ड द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन So ट करने के लिए उसके पास लॉन पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं एल्किन या एल्काइन के फॉर्म में या बेंजरिन के फॉर्म में या वो साइक्लो प्रोफाइल का सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या बाई साइक्लो कंपाउंड के सिगमा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जो की इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का काम

ये हमने लिया आपके सामने एक एग्जाम्पल जिसमें लिविंग ग्रुप सीएल बाहर से कोई लिविंग ग्रुप बाहर देखो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज सीएल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बाहर से कोई अटैकिंग स्पीसी आए कोई अटैकिंग स्पीसी आए मीन्स न्यूक्लियोफाइल आए वो इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक करे उसके अटैक करने से पहले ही जो इसी मोलिक्यूल के अंदर ही अंदर जो कार्बोक्सिलेट एनआईन लगा हुआ उसके ऊपर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो खुद इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का काम कर गया उसने कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर तो देखो ये सीएल निकल गया और इंटरमीडिएट स्पीसी बन गई अब क्या होगा अब अटैक करेगा कौन अब अटैक करेगा कौन ये एक एसेंटिव रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो की इन्वॉल्वमेंट हुई है

वो ओ नेगेटिव बन जाएगा दोबारा से तो इसीलिए आपका जो निकला कॉन सी एल राइट साइड से लगा कॉन ओ OH, एच वो भी अभी राइट साइड में है क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या थी रिएक्शन जिसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्ग्रेशन हुआ सेकंड स्टेप कौन है वो भी इनवर्जन ऑफ कॉन्ग्रेशन हुई उसमें भी क्या है बोलो इन्वर्जन ऑफ कॉन्ग्रेशन तो फर्स्ट स्टेप एसेंट टू इन्वर्जन ऑफ कॉन्गेशन सेकेंड स्टेप एसेंट टू इनवर्जन ऑफ कॉन्फ्यन

रिटेंशन ऑफ जो प्रोडक्ट मिलता है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन के साथ मिलता है लेकिन रिएक्शन में होना क्या था हम चाहते हैं एक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होती OH यहाँ पे सीएल को डिपार्ट करने में हेल्प की है इस नेबरिंग कार्बोक्सिलेट एनआईन वाले नेबरिंग ग्रुप के ने, जिसकी वजह से सीएल एन इजिली निकल गया इजिली निकल गया तो OH अटैक हो गया रेट ऑफ द रियक्शन इनक्रीज हो गई नेबरिंग ग्रुप पार्टर

अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी अगली टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये हमने क्यों बताया आपको ये इसलिए हमने बताया क्योंकि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर आपने देखा रिटेंशन ऑफ कॉन्ग्रेशन हो गई रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो गई इसी टाइप की एक रिएक्शन आएगी एस एन वन रिएक्शन एस रिएक्शन तो एस रिएक्शन भी में आप देख पाएंगे जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगी

due to the simultaneous attack by the new nucleophile generated by the dissociation of the attached nucleophile the second step of the reaction is called the sni reaction ab in sari lineo ka hum matlab batate with an example jaise aapne darjin reaction padhi hai alkyl हेलाइड वाले चैप्टर के अंदर जिसमें आप क्या करते हैं ओएच ग्रुप को हटाना हो जैसे अल्कोहल के अंदर ओएच ग्रुप होता है you want to replace the OH group by the Cl group, then the best reaction is the डार्जिन reaction बिकॉज़ इन दैट रिएक्शन द साइड प्रोडक्ट

तो देखें कि हमने लिया कोई एल्कोहल प्राइमरी एल्काइल हेड लिया हमने एसओसीएल टू के साथ रिएक्शन हुई जिसमें होगा क्या ओएच के ऊपर जो ओएच जो है इसमें से एच जो है एक एक एच एक सीएल को निकाल के ले जाएगा एक एच किसको ले जाएगा एक सीएल को देखो यहां से एक एच एक सीएल को एच सीएल निकल गया अब जो एस ओ है ये इस टू को ले जाएगा अपने साथ तो टू गैस भी निकल जाएगी। जो बच गया ये कार्बन के बन गए और एच सी एल और एसओ टू टू गैसेज रिलीज वो दोनों निकल गई कोई तो भी साइड प्रोडक्ट नहीं बचा वो गैसेज की फॉर्म में निकले अब देखते हैं मैकेनिज्म तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ एसओ सी टू के साथ रिएक्शन ये फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टेप जब धीरे धीरे चली तो हुआ क्या इसके अंदर कि फर्स्ट स्टेप के अंदर तो सिर्फ हमने निकलते हुए दिखाया यहां से बोलो क्या? HCL, बोलो क्या क्या निकलते हुए इसके अंदर से एच सी एल देखो ऐसे इस से हमने एच सी एल निकला तो आखिर ये निकला कैसे देखो थोड़ा हम आपको बता दें हुआ कुछ ऐसे कि आप स्ट्रक्चर पहले से जानते अच्छे से कि देखो ये ये टू एसओ ये सी एल टू एस सी एल टू ऑक्सीजन जिसके ऊपर लॉन पेयर है ऑक्सीजन ने अपना अटैक किया सल्फर के ऊपर सल्फर के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज सी एल दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे छीन लेगा बोलो इस बॉन्ड से यहाँ से तो एच पॉजिटिव निकल जाएगा तो ओवरऑल क्या निकला यहाँ से एच

देखो ये आयन पेयर बन गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये आयन पेयर बना लेकिन ये एक दूसरे के नजदीक ही है अब उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सल्फर की तरफ किसकी तरफ सल्फर तो SO2 बनना चाहिए यहाँ पे तो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और नाउ दैट Cl विल अटैक ऑन कार्बन एटम और ये कार्बन से अटैक हो गया क्योंकि ये जो आयन पेयर के अंदर से ही आयन पेयर जो बना इसके अंदर से जो आपका नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल था देखो ये न्यूक्लियोफाइल ही है

इनकमिंग एक्सटर्नल न्यूक्लियर फाइल अक्कर इन दर्स्ट ऑफ द रियक्शन जो अटैक हुआ है वो बैक साइड ही हुआ है फ्रंट साइड अटैक नहीं होता बट स्टिल द प्रोडक्ट विद रिटेंशन टेस्ट क्यों ड्यू टू दस अटैक बाय द न्यू न्यूक्लियो न्यू न्यूक्लियर फाइल कौन है ये जो सीएल देखो ये यहाँ पे देखो ये सी एलटिव जो है ये सीएल ये न्यू न्यूक्लियर फाइल हम इसको कह रहे हैं जो बना है कैसे बना है जनरेटेड बाय द डिसोसिएशन ऑफ द अटैच न्यूक्लियर फाइल ये जो पूरा बड़ा था से जनरेट हुआ है इन द सेकेंड स्टेप और इसलिए जो प्रोडक्ट बनता हूँ एस एन आई रिएक्शन इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो एस एन आई रिएक्शन हमने देख लिया अगर हम इसमें देखो स्लाइड चेंज करके दिखाते हैं आपको और उस स्लाइड चेंज से आप देख पाएंगे कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटेंशन ऑफ कॉनशन का नहीं बनेगा देखो क्या किया हमने साइड चेंज बिल्कुल सेम रिएक्शन लेंगे डार्जन रिएक्शन लेंगे लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि अगर हम ऐसो SO सीएल इसके साथ साथ हम बेसिक मीडियम भी कर दे पीरिडिन भी डाल दें तो क्या होगा तो देखें आप यहाँ पे तो देखो प्रोडक्ट क्या बना आपका रिटेंशन ऑफ कॉन के साथ लेकिन अब ध्यान से देखें वही सेम डार्जिन रिएक्शन वही प्राइमरी एलकाइड लिया एसोसिए प्लस हमने क्या लिया पीरिडिन लिया और आपका ये प्रोडक्ट बन गया लेकिन जो प्रोडक्ट बना अब मैकेनिज्म देखते हैं देखो ये प्रोडक्ट कैसा होगा बना तो हमने दिया लेकिन कैसा बनेगा उसको हम कंफर्म करवाते हैं आपको एसओ सी एल टू के साथ रिएक्शन फर्स्ट स्टेप कॉमन वही एसओ सी एल लग गया एच सी एल निकल गया उसी टाइप से रिएक्शन ओ ऑक्सीजन ने, ने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किए वही आयन पेयर बन गए देखो यहां तक बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सेम है लेकिन अगर मीडियम के अंदर पीरडिन हमने डाल दिया इज पीरडिन बेस पीडिन इज ए बेस वो एक बेस है तो वो क्या करेगा लेकिन उससे पहले हम वही दोबारा रिएक्शन रिपीट कर देते जो भी हमने देखी थी अगर ऐसा होता कि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जो अभी आपके आयन पेयर बने हैं दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए सल्फर की तरफ तो सल्फर के देखो आपके यहाँ पे एसओ की फॉर्म में निकलेगा गुड लिविंग ग्रुप है तो क्लोरिन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और अटैक कर देगा और लेकिन यहाँ पे ये अटैक तब कर पाया पायासीएल जब ये बोन टूटे सल्फर और क्लोरीन का पहले बोन टूटना जरूरी है तो टूटेगा तभी करेगा अटैक इसका मतलब टूटने के बाद ही करेगा अटैक इसका मतलब जो क्लोरीन है ये लेस फ्री है मोर फ्री नहीं है ये ऑलरेडी सी नेगेटिव आयन की फॉर्म में नहीं है ये डिसोसिएशन के बाद ही जनरेट होता है आपका कौन सी नेगेटिव आयन तभी अटैक करेगा तो इसलिए हमने लिखा लेस फ्री लेकिन जैसे हमने बताया अगर पिलडिन है तो देखो अब क्या होगा देखो एसो टू निकल गई और ये आपका प्रोडक्ट बन गया हो. फ्रंट साइड अटैक हुआ फ्रंट साइड अटैक हुआ रिटेंशन ऑफ कॉन्गेशन हो गई

एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सी एल के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो ये जो क्या करेगा ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किस देगा ये देगा अपने आप ये बताएं जो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेट बना था उसके ऊपर किसके अटैक करने के चांस ज्यादा होंगे कौन सा सीएल करेगा ज्यादा अटैक वो जो कम फ्री है जो अभी डिसोशिएशन से बनेगा या ये सीएल जो मोर फ्री है फॉर्म के के अंदर जो ज़्यादा फ्री है इसलिए देखो इसने किया अटैक अटैक इसके आटेक करने के चांस ज्यादा और अटैक करने से देखो ये बना प्रोडक्ट और लेकिन अब की बार अगर ये करता है अटैक तो फ्रंट साइड के अंदर तो आपका वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है ना ओ ओ सी एल वो प्रेजेंट है राइट साइड के अंदर

लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एस एन आई रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन हो गई है कैसी हो गई बोले इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन जैसे कि नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन में ऑफ होती है तो ये टाइप का आपका प्रोडक्ट बन गया नॉर्मल एसेंट टू प्रोडक्ट आपका ये बना और आपके इनवर्जन ऑफ कॉन्गेशन वाला नहीं बनेगा यहाँ पे आपके सॉरी इन्वर्जन ऑफ कॉन्गेशन वाला ही प्रोडक्ट बना नॉर्मल एसेंट टू के अंदर कैसा प्रोडक्ट बनता है प्रोडक्ट विद द विदर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन एस एन आई वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम अमाउंट के अंदर बनेगा तो वो माइनर प्रोडक्ट ही आपका होगा तो आप चाहते हैं एस एन आई रिएक्शन चले तो क्या हो आपका पीरियडिंग आपको नहीं डालना है और अगर आप पीरियडिंग डालेंगे तो आपकी एस एन टू रिएक्शन ही चलेगी विद द इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन और एस एन आई में क्या होना होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन अब हम देखते हैं एस एन आई डैश रिएक्शन तो एस एन आई डैश रिएक्शन में क्या होगा बिल्कुल एस एन आई जैसी होगी विद द स्लाइट चेंज present two reaction in which no neighbouring group participation occur and only the backside attack of the incoming external nucleophile occur in the first step of the reaction but still the product with the inversion of congregation is formed. Due to the simultaneous attack by a new nucleophile which is generated by the dissociately attached nucleophile at the allylic gamma position instead of the sterically hindered alpha position

अब कैसे होगा अटैक अब ऐसे होगा अटैक क्योंकि जब हमने इसको रीअरेंज करके लिखा तो बिल्कुल उसी टाइप से जैसे पहले हमने बताया था देखो देखो बीटा और गामा देखो तीन हमने हमने लिखी थी हमने लिख दी उसके बाद क्या होगा जो डबल बॉन्ड है बीटा और गामा के बीच वो एल्फा की तरफ शिफ्ट होंगे ताकि जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो जाए तो वो दोनों शिफ्ट होंगे आपके सल्फर की तरफ एसओ टू गैस निकलेगी यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन सीएल ने ले लिया अब सीएल अटैक कहां पे करे

में दो इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो दूसरा ब्लू बॉन्ड है वो टूटा एस और ओ के बीच में डबल बॉन्ड बना दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर तीसरा एस और सल्फर के बीच जो ब्लू बॉन्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए गामा कार्बन आइटम के ऊपर अटैक हुआ तो तीसरे इलेक्ट्रॉन पेयर तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट हुई यहाँ पे देर अकर्स द साइमल्टेनियस मूवमेंट इकट्ठी हुई मूवमेंट कंसर्टेड रिएक्शन है ये का मतलब एक ही स्टेप के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होना तो द साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ द थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर अकर्स इन द सेकंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन देखो तीन की हुई है और ये कब हुई है तीन की फिर ये जो सी नेगेटिव है इसने अटैक कहां पे किया एट द गामा पोजीशन और ये जो आपका निकला है न्यूक्लियोफाइल ये कहां से निकला है जो आपका अटैच न्यूक्लियोफाइल था ये ओ न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर क्या हुआ है डिसोसिएशन हुआ है OS, का डिसोसिएशन हुआ है तभी तो नेगेटिव निकलेगा तभी तो इनवर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन जिस साइड में ओ OH एस था क्या वहीं पे लगा नहीं जिस कार्बन के ऊपर ओ OH एच था क्या उसी के ऊपर लगा नहीं उसके ऊपर भी नहीं लगा तो इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी बोलो एस एन आई डैश रिएक्शन बोलो कैसी रिएक्शन हो गई ये एस एन आई डैश रियक्शन है वो कहां से आया है जो अटैच न्यूक्लियोफाइल हुआ था पहले स्टेप के अंदर जो न्यूक्टैच हो गया था उस न्यूक् अगला न्यूक् और जो न्यूक्शन से बना उसने अटैक कहाँ पे किया है उसने अटैक किया है और क्यों अटैक नहीं कर पाया आपके अल्फा नहीं कर, किया। तो उसके ऊपर अटैक होने के चांस वो भी थे वहां पर भी अटैक हो सकता था और इस दौरान हुआ क्या साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ द थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर इन दैट सेकंड स्टेप सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड दन रिएक्शन जिसके अंदर ये सारी कंडीशन पूरी होती हो आप ऐसी रिएक्शन को ही कहते हैं SN1 तो आपने देखी, आपकी फिर हमने पढ़ा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फिर उसके बेसिस पे हमने एक्सप्लेन किया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जैसे रिटेंेशन था दो एस एन टू रिएक्शन हुई थी पे. तो हमने देखा ऐसे रिएक्शन भी है जिसमें आपकी retention configuration होती है, लेकिन कोई भी भी नहीं होता फिर भी. तो SNI reaction थी, फिर थी हमने SNI reaction देखी तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन इनके ऊपर छोटे छोटे नोट्स आ जाते हैं कई बार आपके तो इनको आप अच्छे से रीड आउट करें थैंक Thank लॉट